दोस्तों राजस्थान रॉयल ने आईपीएल 2023 के लिए अपनी स्क्वाड घोषित कर दी है। राजस्थान टीम ने इस बार आईपीएल के ऑक्शन में 8 विदेशी खिलाड़ियों को अपनी स्क्वाड में शामिल किया है। इनमें से 4 विदेशी खिलाड़ी आपको टीम में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो कौन से है वो खिलाड़ी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान टीम से जुड़ी हर एक अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2023 की टीम में कुल 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल है, जिसमें से ये 4 विदेशी खिलाड़ी आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसमें से पहला बड़ा नाम है जोश बटलर। दोस्तों, विदेशी खिलाड़ी जोश बटलर ने पिछले आईपीएल सीजन में टीम को फाइनल तक पहुंचाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। जोश बटलर ने इंग्लैंड टीम को अपने दम पर वर्ल्ड कप भी जिताया था। ऐसे में जोश बटलर राजस्थान के लिए प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं दूसरे बड़े विदेशी खिलाड़ी हैं सिमरन हेटमायर। दोस्तों, सिमरन हेटमायर ने राजस्थान रॉयल को फाइनल में पहुंचाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। इंटरनेशनल T20 लीग में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गल्फ जायंट्स की टीम में हेटमायर ने 200 की स्ट्राइक रेट से 70 रन ठोके थे। सिमरन हेटमायर भी आपको राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं तीसरे बड़े विदेशी खिलाड़ी का नाम है जो रूट। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। राजस्थान रॉयल की टीम ने दिसंबर में हुई नीलामी में जो रूट को 1 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में अपना हिस्सा बनाया है। वहीं चौथे विदेशी खिलाड़ी जैसन होल्डर। वेस्ट इंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर जैसन होल्डर को राजस्थान रॉयल ने 5.75 करोड़ रुपए देकर अपनी स्क्वाड में शामिल किया था। जैसन होल्डर ऑलराउंडर के रूप में राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, ये 4 विदेशी खिलाड़ी राजस्थान टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान रॉयल से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।